जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था दैट वाज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, हाँ या ना। और जो हम लोग को आज सुन लो बात नहीं, हम लोग को जो आज डिस्कस करना है या कह सकते हो टुडे वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। और मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो अब मिलेंगे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, बेसिकली ऑल मैक्सिमम ऑफ दोज आर बिलोंग्स टू गिफ्ट। किस पर मिलेंगे? अब पहले तो अदर सोर्सेज बहुत सिंपल माना जाता था कि अदर सोर्सेज है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो कहीं टैक्सेबल नहीं हुआ वो अदर सोर्सेज में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जितनी वैल्यू या वेटेज आप बाकी चैप्टर्स को देते हैं, सेम वही वेटेज अब आपको इस चैप्टर को भी देना पड़ेगा। अभी तक नहीं समझ में आया क्यों न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले फिर से मैं आपको एक थ्योरी हल्की सी बता दूं गिफ्ट पर। क्लियर? मैंने गिफ्ट के बारे में बताया था कि गिफ्ट टैक्सेबल होते हैं। क्या होते हैं? टैक्सेबल होते हैं और नॉट टैक्सेबल होते हैं। अगर हम नॉट टैक्सेबल केसेस की बात करें तो किसी भी रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट, किसी भी रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट, बोलो ना। रिलेटिव का मतलब मैंने अभी बताया नहीं, मैंने कहा था आज की क्लास में हम रिलेटिव को डिफाइन करेंगे। दूसरा, किसी की विल या इनहेरिटेंस या डेथ के केस में मिलने वाली एसेट्स या कैश, कुछ भी प्रॉपर्टीज, माफ, पक्की बात है। एक और बताया था, वो था आपका अगर हमें किसी सोसाइटी से, किससे, रजिस्टर्ड सोसाइटी से सेक्शन 12AA में हमको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो भी क्या होता है, माफ होता है। एक और बताया था लोकल अथॉरिटी से मिलने वाला गिफ्ट, ये भी क्या होता है, माफ होता है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। और याद होगा तो मैंने शादी विवाह की बात भी की थी ना। मैरिज के ओकेजन पर मिलने वाला कोई भी गिफ्ट माफ होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, यही बताया था। यहां मैरिज के ओकेजन की बात की गई है, चाहे उसमें रिलेटिव्स हो चाहे ना हो, बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी इसमें शामिल नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं था। सर रिलेटिव की डेफिनेशन बता दीजिए आप, रिलेटिव मीन्स व्हाट, रिलेटिव मीन्स व्हाट। रिलेटिव को अगर मैं डिफाइन करूं, सुन लेंगे, रिलेटिव को अगर मैं डिफाइन करूं तो यहां है इंडिविजुअल जिसकी बारे में बात हो रही है, जिसको गिफ्ट मिल रहा है, ये इंडिविजुअल है, ये इसकी स्पाउस है, हाँ या ना। अब इंडिविजुअल के मम्मी, हाँ पापा बोलो ना, फादर, भाई और बहन, सिस्टर्स, ढंग से समझना, इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। बेटा बेटी, डॉटर, ये तो रिलेटिव्स हैं ही हैं, नहीं है, हैं या नहीं है। ब्रदर और उनके स्पाउस यानी भैया के साथ भाभी, सिस्टर एंड स्पाउस जिसको हम लोग जीजा जी बोलते हैं,
सन एंड वाइफ, सन्स वाइफ, सन्स वाइफ, या कह सकते हो स्पाउस बोल दें, और यहां पर भी स्पाउस, यहां तक कोई दिक्कत है? इन केस में नहीं आएगा, इस केस में नहीं है। अच्छा, हो तो गए ठीक। अब इनकी बात करें, स्पाउस के केस में इनके मम्मी और इनके अभी नानी भी याद दिलाएंगे, चिंता मत करो, और भाई आज सारे रिलेटिव्स देख लो तुम लोग, सिस्टर्स। इनके स्पाउस की भी बात कर लेते हैं, नॉर्मली ये है, कितने रिलेटिव्स हो गए जरा ढंग से देखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, अभी भी कम है, कम है। ये दिमाग में है ना, हटा सकते हैं ना। लीनियल एसेंडेंट्स यानी इनके ऊपर की कैटेगरी ब्लड रिलेशंस, लीनियल एसेंडेंट्स, ब्लड रिलेशंस की बात हो रही है, यानी कि पापा के पापा के पापा के पापा के पापा, फादर के ग्रैंडफादर के ग्रेट ग्रैंडफादर टू ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर टू ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, अब जितना लीनियल हो सकते हो, इसी तरह बेटा, और सुन लो, इनका ब्लड रिलेशन, इनको हम कहते हैं लीनियल डिसेंडेंट। क्या बोलते हैं? सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट 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 ग्रैंडसन, अब जितने ग्रेट लगा सकते हो। अब समझ में आई बात? ये रिलेटिव्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं? रिलेटिव्स होते हैं, नोट कर लो, थोड़ा जल्दी नोट करना। थोड़ी स्पीड ले आएंगे,
चलें, इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो। सर केवल इतने ही रिलेटिव्स हैं, गिने अब, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 11 12 13 14 15 16 17, बढ़े तो नहीं, बढ़े कौन? लीनियल एसेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट। अब अगर मैं बोलूं कि मम्मी के भाई और मम्मी के बहन, पापा के भाई और पापा के बहन, स्पाउस के मम्मी के भाई और बहन, स्पाउस के पापा के भाई और, टेंशन है ना, रिलेटिव्स होते ही टेंशन देने वाले हैं, और इनके स्पाउस, अब जाकर आपका ये टॉपिक होता है कंप्लीट। हाँ, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। यहां पर भी स्पाउस आ जाएंगे ना, ठीक है, हटा सकते हैं, हटा सकते हैं, रिलेटिव्स का नामो निशान मिटा दें। यानी एक चीज तो समझ में आ गई कि हम लोग केवल क्लोज रिलेशंस की बात कर रहे हैं, हाँ, ज्यादा दूर के रिलेटिव्स नहीं है। इधर देखो, नॉट टैक्सेबल समझ में आया? सुन लो पहले, टैक्सेबल में हमें अपने गिफ्ट को ढंग से सुनना, 5 कैटेगरीज में तोड़ना पड़ेगा। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन है टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, तुरंत गिफ्ट को 5 कैटेगरी में तोड़ दो। कितने? 5। पहला कैश, दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी, और तीसरा मूवेबल प्रॉपर्टी। सर आपने बोला कि गिफ्ट हमें 5 पार्ट में ब्रेक करना है, ये 2 और हो गए, ये 2 और हो गए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है या अपने आप को टेंशन से बचाना चाहते हो तो गिफ्ट को पहले इन 5 कैटेगरीज में प्लेन से रख दो। क्या बीमारी से बचना चाहते हो? नहीं। अच्छा, बहुत बड़ी टेंशन होती है जब क्वेश्चन सामने रहता है और दिमाग काम करना बिल्कुल मत सोचना। इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट 2 तरीके से मिल सकता है, या तो विदाउट कंसीडरेशन से या इनएडेक्वेट कंसीडरेशन से। अब क्लियर हुआ? मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट फ्री में मिल सकता है विदाउट कंसीडरेशन से और इनएडेक्वेट कंसीडरेशन से। पक्का ना? कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले तो हम इनको 5 पार्ट में तोड़ देंगे। सुन लो, अगर हमें गिफ्ट मिलता है रिलेटिव से,
एक करोड़ भी क्यों ना मिल जाए, इधर लाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि नॉट टैक्सेबल में। अगर हमें गिफ्ट मिलता है लोकल अथॉरिटी ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशंस से जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA में, या लोकल अथॉरिटी से, पूरी तरह माफ़ है। मैरिज ओकेजन में किसी से भी मिले, पूरा माफ़ है। अब चले आगे। कहा गया कि गिफ्ट 50,000 रुपये तक माफ़ है इन एग्रीगेट। किसमें? इन एग्रीगेट, वर्ड में बिल बोल रहा हूँ यहाँ पर, इन एग्रीगेट, नॉट टैक्सेबल इफ अप टू रुपीज, मैंने एग्रीगेट वर्ड लिख दिया है, हाँ या ना? इन एग्रीगेट, सोचो हम जो चीज यहां पर बोल रहे हैं वही चीज यहां भी बोलेंगे और वही चीज यहां भी बोलेंगे, लेकिन यहां का 50,000 का कैलकुलेशन अलग होगा, इसके 50,000 का कैलकुलेशन अलग होगा और इसके 50,000 का कैलकुलेशन। अब समझ में आई बात कि क्यों इतनी बड़ी टेंशन थी? नहीं समझ में आई बात? इस 50,000 का कैलकुलेशन विदाउट कंसिडरेशन का बिल्कुल अलग होगा, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का बिल्कुल अलग होगा। इस 50,000 का कैलकुलेशन कैश वाला, चेक वाला बिल्कुल अलग होगा। नॉट टैक्सेबल इफ अप टू रुपीज 50,000। सर ये तो समझ में आ गया। क्या समझ में आया? कि फ्री का है देख लेंगे। कैसे पता चलेगा कि फ्री की कोई चीज कितने की मिल सकती है? तो वहां पर हम FMV को कंसीडर करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू को कंसीडर करेंगे। क्लियर? यहां पर भी हम सेम चीजें लिखने जा रहे हैं, इन एग्रीगेट देखते हैं, किसमें देखते हैं, और नॉट टैक्सेबल होगा इफ, लिखना मना है साथ साथ, अप टू रुपीज 50,000 हो तो। और तीसरा है गिफ्ट की वैल्यू कैसे निकालोगे? पैसा तो मैंने दिया है ना। अरे बोलना। तो कहा गया जो FMV होगी माइनस अमाउंट पेड, ये गिफ्ट की वैल्यू होगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ गिफ्ट। अब बात समझ में आई? यहां तो फ्री में था तो टोटल FMV को कंसीडर कर लिया, यहां फ्री में नहीं है, वी आर जस्ट गोइंग टू पे समथिंग टू द डोनर, तो जो देने वाला है उसको हम कुछ ना कुछ पेमेंट कर रहे हैं। ये तीन चीजें बिल्कुल क्लियर हैं? बिल्कुल। जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ढंग से सुनना, सेपरेट सेपरेट देखेंगे, यानी इंडिविजुअली कैलकुलेशंस होंगे, हाँ या ना? एग्रीगेट नहीं देखेंगे बिल्कुल। हर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब ढंग से सुनना मेरी बात, लैंड बिल्डिंग और बोथ, दैट्स इट, लैंड बिल्डिंग और बोथ, बात खत्म। अच्छा सर फ्री का है तो क्या करेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू ले लें या कोई और वैल्यू ले लें? स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू, स्टैंप वैल्यूएशन। सेपरेट है, कौन सी वैल्यू लेंगे? स्टैंप वैल्यूएशन। अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां, लेकिन यहां मैंने कुछ दिया है तो स्टैंप वैल्यूएशन माइनस कर दो अमाउंट पेड, हटा दे, दैट्स इट। सुन लो, खत्म नहीं हुई कहानी। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी तो बात समझ में आती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड बिल्डिंग और बोथ, बट वी आर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड अबाउट, यस
मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आती हैं चीजें, जरा उसके बारे में भी बात कर लें। सारी चीजें शामिल नहीं होती, सारी चीजें शामिल नहीं होती। स्टॉक एंड सिक्योरिटीज आएंगे, स्टॉक मतलब शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। बिलियंस आएंगे, स्कल्पचर्स आएंगे, आर्टवर्क आएगा, ड्राइंग पेंटिंग और आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन आएगा। ड्राइंग पेंटिंग एंड आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन आएगा। दिस इज द मीनिंग विच हैज़ बीन गिवेन बाय द एक्ट। इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी ऊपर जोड़ सकते हो लैंड, बिल्डिंग और बोथ। मूवेबल प्रॉपर्टी स्टॉक एंड सिक्योरिटीज, बिलियंस, स्कल्पचर्स, आर्टवर्क, ड्राइंग, पेंटिंग एंड आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, दैट्स इट। हाँ, बिलियंस एंड ज्वेलरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोले बाबू, ज्वेलरी का हिस्सा होता है, कीमती चीज़ें होती हैं। हाँ बोलो भाई, इस पर कोई दिक्कत है? अगर धीरे धीरे हमको बोलने, मैंने ख़त्म नहीं किया, जब मैं ख़त्म कर लूँ उसके बाद जितने अंदर की चीज़ें हों सब निकालना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर अब हमसे कोई पूछता है गिफ्ट, तो मेरे लिए बड़ा आसान है गिफ्ट को डिफाइन करना, नहीं है? टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल दो पार्ट में बांटेंगे। नॉन टैक्सेबल तो सर वो पांच केसेस हैं, छह मान लो या पांच मान लो, उन पांच केसेस में कोई आएगा तो वो टैक्सेबल नहीं होता, चाहे रिलेटिव्स हों चाहे ना हो, वो सब आ जाएंगे उसमें। लेकिन अगर इन पाँच टैक्सेबल की बात करें तो उनको हम पाँच कैटेगरीज में तोड़ेंगे। कैश, चेक, मनी एक तरफ करोगे, ड्राफ्ट वगैरह सब एक तरफ करोगे, मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट और इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट अलग करोगे, कंसीडरेशन और विदाउट कंसीडरेशन, कंसीडरेशन और विदाउट कंसीडरेशन का अलग अलग करोगे। जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो सेपरेट सेपरेट कैलकुलेशन होगा हर एक प्रॉपर्टी का, लेकिन मूवेबल और कैश की बात अगर करेंगे तो सबको जोड़ करके, यानी इन एग्रीगेट वी विल टॉक अबाउट, ठीक है ना? अच्छा, अगर हमने तुमसे कहा कि मैंने आपको, एक इम्पॉर्टेंट नोट है, मैंने आपको डेट ऑफ गिफ्ट बाय चेक, मैंने आपको दिया है 30 मार्च 2014 को, और डेट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ चेक, होता है ना मेरे खाते में क्रेडिट होना, चेक उसी दिन कैश में नहीं आएगा, एक दिन दो दिन लगता है, वो आया 2 अप्रैल 2014 को। चलो 16 कर लेते हैं, तुम लोग बिल्कुल लेटेस्ट करो। हाँ बताओ, बताओ किस डेट या किस ईयर को हम टैक्सेबिलिटी वाला ईयर मानेंगे, आएगी ना प्रॉब्लम? 15-16 प्रीवियस ईयर या 16-17 प्रीवियस ईयर? अरे प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, 15-16। कितने लोग कहते हैं 15-16? हाँ बोल, 15-16, बिल्कुल सही है। ये डेट हमारी डेट ऑफ गिफ्ट यानी प्रीवियस ईयर 15-16, यानी असेसमेंट ईयर 16-17। अब बात समझ में आई? इसका कोई लेना देना नहीं होता, ये एक टेंशन रहती है, वो टेंशन दूर हो गई। नोट करना है क्या हुआ?
हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन की, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन की। देखें, 1 जुलाई 2015 को आर से गिफ्ट मिला है जेके को, मिस्टर जेके आर से गिफ्ट मिला है, वो भी चेक से। जानते हो कितना? 50,000। गिफ्ट फ्रॉम होम फ्रेंड, कितना कैश एंड चेक में जाएगा? दूसरा, कैश गिफ्ट फ्रॉम एन नेफ्यू, माफ होता है ना, नेफ्यू मतलब क्या? भतीजा। और नीस मतलब क्या? भतीजी या भांजी, देखो ना, बोल दी, ठीक है ना। अच्छा, 1 लाख रुपए, सुन लो सुन लो, 1 लाख रुपए पर क्या टैक्स लगाओगे अगर नेफ्यू से गिफ्ट मिला है तो? नहीं सर, वो माफ है। गिफ्ट ऑफ डायमंड रिंग ऑन हिज बर्थडे बाय अ फ्रेंड ऑफ बाय अ फ्रेंड सी, मूवेबल है इमूवेबल है? अच्छा, कौन सा गिफ्ट है? डायमंड रिंग। कितने रुपए की है? 75,000। फ्री में मिला है ना? पक्का? कैश गिफ्ट मिला है, चार दोस्तों ने मिला करके दिया है। ना 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 ना, हर एक ने 31,000 दिया है, वो भी शादी पर। माफ, कैश गिफ्ट दिया है स्पाउस के सिस्टर ने ऑन हाउस ओपनिंग सेरेमनी। माफ, स्पाउस के मम्मी पापा भाई बहन रिलेटिव्स होते हैं। कैश गिफ्ट फ्रॉम अ क्लोज फ्रेंड ऑफ फादर इन लॉ, कानूनी पिता के दोस्त ने हमें दिया। फ्रेंड ऑफ फादर इन लॉ कितना है? 1,51,000 कैश गिफ्ट है। चल सकते हैं आगे। कैश गिफ्ट मेड बाय ग्रेट ग्रैंड फादर, माफ है। कैश गिफ्ट रिसीव्ड अंडर द विल ऑफ अ फ्रेंड, फ्रेंड टैक्सेबल कैसे होगा? विल है, कोई मर रहा है, कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। विल इनहेरिटेंस के केस में, डेथ के कंटेम्पलेशन में कोई अराइज गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। कैश गिफ्ट बाय ए बिजनेस फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे, कैश गिफ्ट बाय फ्रेंड, भगवान ऐसे दोस्त किसी को ना थे, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। कैश गिफ्ट मेड बाय 3 फ्रेंड्स ऑफ 25,000, हर किसी ने दिया है बोलो ना, हो गया। इसके अलावा जेके बिजनेस करता है और वहां की सेल 35 लाख है, वो बात की बात है, हो गया। यहां कुछ नहीं दिया है, यहां कुछ नहीं दिया है, और यहां टोटल कर सकते हैं कितना आ जाएगा? हाँ बोलो। गिफ्ट फ्रॉम, आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, इधर देख, कितना हो गया? 3,57,000, 67, 27, और ये टोटल हो गया आपका। हाँ या ना, ये क्या 50,000 से ज्यादा दिख रहा है क्या तुम लोग को? दिख रहा है 50,000 से ज्यादा? तो पूरे पर टैक्स लगा देना,
किसी को भी माफ करने की जरूरत। अगर 50,000 एक रुपए का भी गिफ्ट हो गया होता कितना, 50,000 एक रुपया, तो पूरे 50,000 एक पर टैक्स लगता। आ रहा हूं ना, इंडिविजुअल इंडिविजुअल से हमको कोई लेना देना नहीं। आप कहेंगे सर यहां पर 50,000 की छूट दे दीजिए, ये भी तो तीन दोस्तों ने, चट्टों ने मिलकर दिया 25,000, ये भी तो तीन दोस्तों ने दिया, तीनों को माफ कर दो। ऐसे थोड़ी ना होता है। कैसे होता है, जितने गिफ्ट मिले हैं सबको जोड़ लो, उसमें देखो 50,000 तक है तो पूरा माफ, 50,000 से ऊपर है तो पूरा टैक्स, फिर माफी नहीं मिलेगी किसी पर भी। किसी ने अगर 5 रुपए का भी गिफ्ट दिया हो तो भी माफी नहीं मिलेगी। अब बात समझ में आई, तो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज होने की जरूरत नको। 50,000 रुपए तक इन टोटालिटी में माफ होता है। और इसका मतलब ये नहीं 50,000 आपका बेसिक लिमिट है या एग्जेम्पशन लिमिट है या बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट है। और ये चीज़ मैंने साफ साफ पॉइंट नंबर 4 पेज नंबर 132 में लिख दी है। पेज नंबर 132 में पॉइंट नंबर 4 दिख रहा है, मैं फिर बोलता हूँ। इट मे बी नोटेड that the aggregate limit of rupees 50,000 as provided in this section is not in the nature of basic exemption or a threshold limit. है या नहीं है? Accordingly, in case an individual or HUF receive any sum of money exceeding rupees 50,000 which are not covered by exemption, the whole of such sum shall be subject to tax under the head income from other sources. अब clear हुआ? अब clear है? अब तो doubt नहीं होना चाहिए, दिमाग से निकाल दो अगर कुछ पढ़ रखा है तो। मैं बार बार बता रहा हूं, अगर तुम लोगों ने कुछ पढ़ रखा है और दिमाग में कहीं कीड़ा बैठा हुआ है, हिट कर दो, हिट हिट, फिर ऐसे ही बैठ रहे हो। अच्छा, हिट जानते हो ना, कीड़ों को मारने वाला, तो दूर कर दो। चले यहां बताओ, क्या ये 50,000 से ज्यादा है? पूरा टैक्स लगेगा। ये भी फुल्ली टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, ये भी फुल्ली टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। तो अब गिफ्ट के केस में टोटल टैक्सेबिलिटी कितनी अराइज हो जाएगी? 4,02,000। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आ रहे हैं, क्लियर है? हटा दें या नोट करना है? नेफ्यू के बच्चों से मिला है तो क्या वो हमारे रिलेटिव्स होते हैं? नेफ्यू के बच्चे क्या मेरे रिलेटिव्स होते हैं? फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सन, ग्रैंडसन, क्या वो हमारा ग्रैंडसन है? क्या वो हमारा ग्रेट ग्रैंडसन है? भाई ठीक है, भाभी ठीक है, बात बिल्कुल सही है, बच्चे ने ठीक कहा। क्या नेफ्यू को हम लोग कवर करेंगे यहां पर? नेफ्यू को कवर करेंगे? जरा एक बार देख ले, नेफ्यू कवर नहीं होता। बिल्कुल सही है, मैंने रिलेटिव्स की लिस्ट में कवर भी नहीं करवाया है। नेफ्यू से कितना मिला था बताना, कितना मिला था? बहुत बढ़िया बाबू, बहुत ही बढ़िया। नेफ्यू से कितना मिला है? कैश गिफ्ट फ्रॉम नेफ्यू, बहुत ही बढ़िया। कैश गिफ्ट फ्रॉम नेफ्यू 1,00,000, ये हो जाएगा 4,27,000, ये हो जाएगा 5,02,000, बहुत ही बढ़िया बाबू, नोट कर ले। और थोड़ा जल्दी नोट करेंगे,
सर आपने ये क्वेश्चन आधा करवाया, पीछे लिखा हुआ है कि 35 लाख उसका टर्नओवर है, रिटेल ट्रेडिंग करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया है। तो मैंने तुम लोग को ये पीजीबीपी पढ़ाते समय सेक्शन 44AD पढ़ाया था और मैंने कहा था जब रिटेल ट्रेडिंग होती है और 1 करोड़ तक का टर्नओवर होता है यानी टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आता तो 8% हम सीधे सीधे नेट प्रॉफिट का मान लेते हैं इनकम, टैक्सेबल इनकम। तो 35 लाख का 8% ले लो, 240 और कितना आ जाएगा, 240,000 और 280 आ जाएगा, तो 280 को आप टैक्स लगा देना अंडर द हेड पीजीबीपी। इज इट क्लियर, पक्की बात है? अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर एट पॉइंट नंबर 6 देख लें, पेज नंबर 132 पर जो थ्योरी है, मैं फिर से वो चीज़ क्लियर कर दूं अगर कहीं कोई डाउट है तो। द सीलिंग ऑफ ₹50,000, पेज नंबर 132, लास्ट पॉइंट 6, द सीलिंग ऑफ ₹50,000 इज अवेलेबल सेपरेटली इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द 5 कैटेगरीज ऑफ गिफ्ट मेंशनड अबव, कैश गिफ्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट विदाउट और इनएडिक्वेट, मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट विदाउट और इनएडिक्वेट। क्लियर है ना, इन 5 में हमें तोड़ना पड़ेगा ₹50,000 के लिए। अब ये भी कंफ्यूजन दूर हुआ। फिर आए वापस क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। जब भी गिफ्ट की बात आए और इस तरह का क्वेश्चन दे दे तुरंत आप 5 कैटेगरीज बना लेंगे। क्यों? पहला कैश, दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टीज, और तीसरा इमूवेबल प्रॉपर्टीज। फिर मूवेबल और इमूवेबल में भी 2 आ जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, बोलते क्यों नहीं, विदाउट कंसिडरेशन एंड इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। चलो गिफ्ट मिला है, चलो एक चीज मैं तुम लोगों से इससे हट करके पूछ लूं, कहो तो पूछूं। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार गिफ्ट बाय मिस्टर जेड्स फ्रेंड, FMV है 2 लाख, अमाउंट पेड है, पेड बाय जेड 60,000, टैक्सेबिलिटी इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 1,40,000। और आपका जवाब है, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में मैंने कहाँ कार लिखवाया था, स्टॉक कहाँ लिखवाया था, मूवेबल में कहाँ लिखवाया था, मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जरा देखो ना, स्टॉक एंड सिक्योरिटीज लिखवाया था, बिलियन एंड ज्वेलरी लिखवाया था, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन लिखवाया था, ड्राइंग पेंटिंग और स्कल्पचर्स लिखवाया था, बात खत्म हो गई ना, इसमें कार कहाँ से आ गई, ठीक है ना, हटा दें इसको। अब दिमाग में रहेगा ये चीज़ कि क्वेश्चन को फंसा सकता है और तुम लोग फंस सकते। अब देखते हैं कौन नहीं फंसता है। चलें, 31 मार्च को फ्रेंड ने गिफ्ट दिया है चेक 25,000 का और वो इन कैश हुआ है 3 अप्रैल 2015 को, बताओ किस ईयर का गिफ्ट है, ये प्रीवियस ईयर का गिफ्ट है और 25,000 है, माफ़ कर दो, पिछले साल में जाएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट एस प्रीवियस ईयर 15-16। हम किस ईयर की बात कर रहे हैं, 15-16 और असेसमेंट ईयर, टैक्सेबिलिटी ऑफ व्हाट, गिफ्ट, टैक्सेबिलिटी ऑफ
गिफ्ट की बात कर रहे हैं अदर सोर्सेज में। तो पहला वाला हट गया, ये आते ही बता दिया था। ब्रदर ने बैंक ड्राफ्ट दिया है फर्स्ट मे को, डीडी बाय ब्रदर, कितने रुपए का? 50,000 का। आएगा टैक्सेबल? नहीं सर, ये पूरी तरह एग्जेम्प्ट होता है। अच्छा, नॉन रेजिडेंट फ्रेंड है, नॉन रेजिडेंट फ्रेंड है, चेक बाय फ्रेंड कितना? आगे देखिए, ब्रदर इन लॉ आएगा, स्पाउस के मम्मी पापा भाई बहन आएंगे तो मेरा ब्रदर इन लॉ भी आएगा, हाँ या ना? तो क्या टैक्स लगाओगे? नहीं सर। ग्रेट ग्रैंडफादर इन लॉ? नहीं सर। ग्रेट ग्रेट भी होता तो भी नहीं लगता। कैसे? बच्चे ने बोला ग्रेट ग्रैंडफादर इन लॉ, क्या स्पाउस के लीनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट पर लगता है ये रूल गिफ्ट का? क्या वो मेरे रिलेटिव्स होते हैं? आते हैं, अगर थ्योरी हम देखें पेज नंबर 132 पर ही आ जाना। सर, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे सन, मेरे ग्रैंडसन, मेरे ग्रेट ग्रैंडसन शामिल होते हैं, क्या स्पाउस के ग्रैंडफादर उनके ग्रेट ग्रैंडफादर शामिल नहीं होंगे? पॉइंट नंबर 6 है पेज नंबर 132 पे ऊपर। लीनियल एसेंडेंट और लीनियल डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लीनियल, इंडिविजुअल के स्पाउस के लीनियल एसेंडेंट और लीनियल डिसेंडेंट वो भी शामिल। अब बताओ ये माफ है या टैक्सेबल है? माफ है ना, चले आगे। चलो, अच्छा, कजिन ब्रदर, कजिन ब्रदर, कजिन ब्रदर, कजिन ब्रदर, कैसे माफ है? नेफ्यू अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने बोला था टैक्सेबल है, तो कजिन ब्रदर क्या टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? ऊपर जितनी 7 पॉइंट दिए एक बार उनमें देख लो, जो मैंने अभी अभी पढ़ा पेज नंबर 130, क्या उन 7 में हमारा कजिन ब्रदर आएगा? क्या उन 7 में कोई कजिन ब्रदर आएगा? देख लेते हैं, नहीं आना चाहिए। स्पाउस नहीं, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल नहीं, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल नहीं, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द ईदर ऑफ द पेरेंट्स नहीं है वो, लीनियल एसेंडेंट और लीनियल डिसेंडेंट नहीं है वो, लीनियल एसेंडेंट और लीनियल डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, बोलने दो, स्पाउस ऑफ द रिलेटिव्स लिस्टेड इन सीरियल नंबर फलाना एंड दिमाका, यानी इसमें नहीं आया, हाँ या ना? हाँ या ना? कजिन ब्रदर से अगर हमें गिफ्ट मिलेगा तो क्या टैक्स लग जाता है? बिल्कुल लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, चाहे वो रिलेटिव हो या ना हो, टैक्स नहीं लगेगा। इज इट क्लियर नाउ? अच्छा, 1/1/2016 की बात करते हैं। एनएससी मिला है 10,000 का नेबर से। अरे भाई टैक्स लगाओ ना, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आ जाती है ना। कितना? 10%। और फ्रेंड से कैश मिला है कितना? 10,000। बस, और तो कुछ नहीं है ना। तो इधर आ गया 40,000, इधर आ गया 10,000, तो नॉट टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल। अब बात समझ में आई?
नॉट इन एक्सेस ऑफ रुपीज, और ये भी लिख सकते हैं नॉट इन एक्सेस ऑफ रुपीज 50,000। नोट कर लें इसको, थोड़ी जल्दी करेंगे। चल सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो बोलो। चलो भाई, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, नीचे देखें जरा। डिटरमाइन द चार्जेबिलिटी ऑफ द अफोरसेड गिफ्ट, जो अभी मैंने क्वेश्चन किया, वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ द अमाउंट ऑफ गिफ्ट इज रुपीज 10,001। 10,000 एक रुपये होता अगर ये, तो क्या कोई डिफरेंस होता? हमारे हिसाब से नहीं, लेकिन जहाँ से ये क्वेश्चन पिक किया गया है CMA की स्टडी मैट से, उसके हिसाब से फर्क पड़ता है। वहां उन लोगों ने ये 5 कैटेगरीज नहीं बांटी हैं, सुन लो, उन लोगों ने ये 5 कैटेगरीज नहीं बांटी। उन लोगों ने मूवेबल और कैश एग्रीगेट किया, जो कि गलत है। अब गलत या सही मैं नहीं बोलूंगा, सही नहीं है। और हमने जो आपको पॉइंट नंबर 6 दिया है पेज नंबर 132 में, बस उस हिसाब से काम करना है। इज इट क्लियर? पक्की बात है, चल सकते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर ए अ डीलर इन शेयर, लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिस्टर ए जो डीलर है शेयर्स का, क्या है? डीलर है, सुन लेना बात। मिस्टर ए का काम क्या है? डीलर इन शेयर्स। अच्छा, received the following without consideration during the previous year from his friend Mr. B. B ने उसको गिफ्ट दिया है, कैश गिफ्ट मिला है, कितना? फ्रेंड से मिला है एनिवर्सरी पर, टैक्स लगेगा? जी हाँ सर, लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, बिलियन है, फेयर मार्केट वैल्यू 60,000 है, लगेगा या नहीं? क्यों नहीं लगेगा? किसने मना किया? 50,000 रुपए से ऊपर है तो पूरा टैक्स लग जाएगा। अ प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद, जिसको हमें बताना था, इस क्वेश्चन में पर्पस भी यही था जिसके लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। A plot of land at Faridabad on 1st July 2015, the stamp value of which is rupees 5 lakhs. On that date, Mr. B purchased the land in April 2008. बोल सकते हैं आगे? ढंग से सुनना। हम कौन से SSC की बात कर रहे हैं? और उसको गिफ्ट मिल रहा है मिस्टर बी से, मिस्टर बी डोनर है और मिस्टर ए डोनी है, धोनी नहीं है। मिस्टर ए परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड
अच्छा सॉरी, अ प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद 1 जुलाई 2015 को इसको गिफ्ट मिला है और उस दिन स्टैंप वैल्यूएशन ऑथोरिटी की वैल्यू है कितनी? 5 लाख। हाँ या ना? मिस्टर बी ने, सुन लेना, इसने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मालूम नहीं कितनी है, लेकिन इसने खरीदी थी एसेट अप्रैल 2008 में, बस इतना दिया है। अब आगे चल सकते हैं। बताओ, फ्री में मिला है ना, टैक्स लगा दें या ना लगा दें? लगा दें ना लगा दें? लैंड कितने रुपए से? 5। काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म। हम किसके बुक्स में बात कर रहे हैं, किसके इनकम की बात कर रहे हैं? इसके लिए क्या होगा बोलने देना। अगर कोई इंडिविजुअल या कोई बंदा गिफ्ट देता है तो वो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं माना जाता अंडर सेक्शन 47। याद आया? चल, तो इसके हाथ में भी टैक्स नहीं लगेगा। बोलो इधर, क्लियर है? आगे सुनना। मिस्टर ए परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर सी। मिस्टर ए ने अपने दोस्त मिस्टर सी से फिर कुछ लिया, जो डीलर है शेयर्स में। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी की बात नहीं हो रही, मिस्टर सी और मिस्टर ए की बात हो रही है, और ये भी डीलर किसमें है? शेयर्स में। ये भी डील करता है शेयर्स में, ये भी डील करता है शेयर्स में। 1000 शेयर्स इसने दिए हैं जो 400 रुपए वाले हैं, और जिनकी फेयर मार्केट वैल्यू जब इसने लिया था उस समय 600 रुपए हैं। कितने की हैं? आया ना? मिस्टर ए सोल्ड ऑल दी शेयर इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। अब बता सकते हो क्या होगा? चलो, दोनों के केस में बता सकते हो, मिस्टर सी के हाथ में क्या होगा, मिस्टर ए के हाथ में क्या होगा? इससे कोई लेना देना नहीं, इस बुक, इस चैप्टर में तो आएगा ही नहीं। अगर हम शेयर्स की डीलिंग करते हैं, शेयर्स खरीदते और बेचते हैं, तो पीजीबीपी का मैटर है ना। गिफ्ट का है ये, गिफ्ट का है। हमारा काम है शेयर्स खरीदना और शेयर बेचना। तो मैंने एक बंदे से शेयर खरीदा जो शेयर बेचने का काम करता है, चाहे मेरा फ्रेंड क्यों ना हो। अगर फ्रेंड नहीं होता तो नहीं खरीद सकते, फ्रेंड होता तो नहीं खरीद सकते, खरीद सकते हैं। तो मेरा पीजीबीपी का पार्ट है इस चैप्टर में, तो उसको जोड़ो मत। जो इसके हाथ में इनकम होगी वो पीजीबीपी में, जो ये बेच करके कमाएगा वो भी पीजीबीपी में। आगे चले अब। हाँ या ना? फर्दर, ऑन 1 नवंबर, सुनना ढंग से, लास्ट पॉइंट, द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और सारा लोचा बस इसी को लेकर आने वाला है अब। फर्दर, ऑन 1 नवंबर 2015, मिस्टर ए टुक पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बुक्ड बाय हिम 2 ईयर्स बैक एट ₹20 लाख। मिस्टर ए को एक प्रॉपर्टी मिली पोजेशन में, किस साल मिली है पोजेशन? 1 नवंबर 15, यानी प्रीवियस ईयर 15-16, बोलो ना। अच्छा, और उसने बुक करवाई थी, बुकड एट ₹20 लाख। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज ऑन 1 नवंबर 2000, जरा ढंग से देखना, 1 नवंबर 2015 एफएमवी कितना है ऑन 1 नवंबर 2015? ₹32 लाख। हाँ या ना? अरे मतलब वही स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, ठीक। अच्छा, एंड ऑन द डेट ऑफ बुकिंग इट वॉज 23 लाख। बुकिंग की डेट में जो हमारी स्टैम्प वैल्यू और अथॉरिटी थी वो कितनी थी? 23 लाख। उसने 1 लाख रुपए उसी समय पेमेंट किया था और उसने इस जमीन को बेच दिया। चलो बात की बात है, हमें बताओ क्या गिफ्ट माना जाएगा?
इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या गिफ्ट मानी जाएगी? हम कोई प्रॉपर्टी अगर खरीद रहे हैं तो क्या वो गिफ्ट माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, कैसे नहीं मानोगे, कौन कहता है नहीं? मैंने तुम लोग को साफ साफ बताया था, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को हमने खरीदा है उसकी स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू से कम पर, तो गिफ्ट है। गिफ्ट है कितना, 12 लाख या 3 लाख? प्रॉब्लम ये आती है कि फेयर मार्केट वैल्यू या स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी हम किस दिन के लिए, स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू किस दिन के लिए, डेट ऑफ अग्रीमेंट की या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की? डेट ऑफ अग्रीमेंट या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब आते हैं, जब अदर सोर्सेस की बात करोगे तो अग्रीमेंट की बात होगी, और जब कैपिटल गेन चैप्टर की बात होती है सेक्शन 50C तो उस समय डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात होती है। हो गया ना गड़बड़। चलो पेज नंबर 132 में पॉइंट नंबर 5, पेज नंबर 132 में पॉइंट नंबर 5, चलें। वेयर द डेट ऑफ एग्रीमेंट फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम द फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर नॉट द सेम, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कार्ड डालो, रजिस्ट्रेशन वर्ड को कार्ड डालो और उसकी जगह लिख दो अग्रीमेंट, काट दो रजिस्ट्रेशन वर्ड को, काट दो और उसकी जगह लिखो अग्रीमेंट। एग्रीमेंट लिख दिया, अब सही है। जब 50C में जाएंगे तो वहां पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, और जब हम सेक्शन 56 में बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के, तो स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी एज ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट बुक कितने पर करवाया था, 20 लाख में, और उस दिन की वैल्यू कितनी थी, 23 लाख की। अब बताओ गिफ्ट की वैल्यू कितनी, 3 लाख। 20 लाख तो दे रहे हो ना, 3 लाख। बिल्डिंग एट फरीदाबाद, सुन लो, SVA एज ऑन डेट ऑफ अग्रीमेंट माइनस अमाउंट पेड और टू बी पेड, हाँ या ना, तो 23 लाख माइनस ये आ गया आपका रिजल्ट। चलें आगे, अब याद रहेगा, आ करके मामला निपट गया। अब हमें नहीं लगता इस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो तुरंत कैपिटल गेन में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, वाइल इन द केस ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डेट ऑफ अग्रीमेंट इज इम्पॉर्टेंट। और एग्जाम में, हाँ बोल दो फिर बोलो। 1 लाख बुकिंग अमाउंट दिया, मैंने कहा ना पेड और टू बी पेड, 1 लाख दे दिया, 19 लाख देना बाकी है, उससे क्या लेना देना तुमसे। चले तुमने तो 20 लाख देना है ना, गिफ्ट कितने का मिला, 3 लाख का, 23 लाख की चीज आपको 20 लाख में मिल रही है। आगे देखो सुन लो, कॉम्प्यूट द इनकम, हो तो गया। अच्छा नीचे एक और वर्ड लिखिए कि उसने इस प्लॉट ऑफ लैंड को 7 लाख में बेच दिया, किसको, ये वाला लैंड एट फरीदाबाद, इसको उसने कितने में बेच दिया, 7 लाख में, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म होगा तो तुम्हारा सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन होगा, क्योंकि गिफ्ट में मिला है तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट मान ली जाएगी, तो वो इन्फॉर्मेशन तो हमें कुछ दी नहीं है, फिलहाल किनारे कर देते हैं। दिया है, हम अभी कैपिटल गेन नहीं कर रहे ना, कर चुके हैं इस तरह के कई क्वेश्चंस, कैपिटल गेन अपना कैलकुलेट कर लेना सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन। अभी हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिमाग नहीं तो भटकाओगे, कहोगे सर याद नहीं आ रहा, तो मेरी टेंशन बढ़ जाएगी। हाँ बताओ, 9 लाख, बच्चे ने कहा सर सुन लो ये क्या है कैश, ये क्या है इमूवेबल,
इस पर भी टैक्स 50,000 से ज़्यादा, इस पर भी टैक्स 50,000 से ज़्यादा, इस पर भी टैक्स 50,000 से ज़्यादा, सोचना मना है। नोट कर लो। अब हमें नहीं लगता कि गिफ्ट आपको परेशान करेगा, गिफ्ट वैसे भी परेशान नहीं करता। बताओ, गिफ्ट देना आज की डेट में गुनाह है? क्या है? क्वेश्चन नंबर वन देखें, क्वेश्चन नंबर वन देखें। अब मैं केवल आपको कहानी समझाता चला जाऊंगा, आप अपना नोट इसमें लिखना चाहें तो लिख लेंगे। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील हैड नॉट कमेंस्ड प्रोडक्शन। कंपनी ने अभी प्रोडक्शन स्टार्ट किया ही नहीं है, बात नहीं। द प्लांट एंड मशीनरी वॉज इन द स्टेज ऑफ इरेक्शन, यानी अभी प्लांट और मशीनरी कंस्ट्रक्ट हो रही है, वहीं फैक्ट्री साइट पर ही काम चल रहा है मशीनों को बनाने का, उसके बाद प्रोडक्शन होगा। The plant and machinery was in the stage of erection and during the previous year 15-16 it paid interest on borrowing amounted to rupees 20 lakh. अरे आपने 20 लाख रुपए के इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया क्योंकि आपने लोन लिया था प्लांट और मशीनरी के लिए। प्लांट एंड मशीनरी अभी भी इरेक्शन के प्रोसेस में है और बट ऑब्वियस है जब तक वो प्लांट एंड मशीनरी बनेंगी तब तक तो बैंक वाला इंटरेस्ट छोड़ेगा नहीं, और हमने वो इंटरेस्ट बैंक को दे दिया 20 लाख रुपए का। क्या इसका अदर सोर्सेस से कोई लेना देना है? पहली चीज़ नहीं। सर ये जाएगा तो जाएगा कहाँ? ये किसकी कॉस्ट में? ये बोरोइंग कॉस्ट की तरह ICDS इनकम कॉम्पिटिशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, अगर तुम लोगों को याद हो लेक्चर नंबर 20 और 21 शायद था, 15-16 या 20 और 21 था, दो लेक्चर मैंने पढ़ाए थे तुम लोगों को, 15-16 था शायद, ICDS का, ICDS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रोमन भाषा में लिखा था, और उसमें एक था आपका बोरोइंग कॉस्ट। तो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होता है, क्या होता है? एसेट्स की कॉस्ट में जुड़ जाता है, वो हम लोग वहाँ देख चुके हैं, उसका PGBP से मतलब है, ना कि अदर सोर्सेस से। अच्छा आगे, अब चूंकि उसने लोन ले रखा था, पैसा निकाल लिया था, कुछ पैसा फालतू पड़ा हुआ था, उसने उस फालतू पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। अब उस फालतू पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, बैंक से लोन लिया है, पैसा फालतू में रखा हुआ है क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ नहीं, हमने उस एक्स्ट्रा पैसे को क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया, और वहां से कुछ इंटरेस्ट मिला। क्या ये मेरे बिजनेस का हिस्सा है? ना ना ना, इंटरेस्ट कभी भी बिजनेस का हिस्सा नहीं होता, ये कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज में जाएगा। तो 1.5 लाख विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और 20 लाख विल बी द पार्ट ऑफ PGBP एंड विल बिकम और टू बी ट्रीटेड एज इन अकॉर्डेंस विद द ICDS बोरोइंग कॉस्ट। इज इट क्लियर? पक्की बात है, नोट करना हो कहीं नोट कर लो, नहीं तो हम आगे बढ़े। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, क्या है? CA साहब। उन्होंने अपने क्लाइंट को कहा, पैसा ज़्यादा आ रहा है तुम्हारे पास या तुमको मैनेज करने में दिक्कत हो रही है?
मैं एक सेपरेट अकाउंट तुम्हारे लिए खोल देता हूँ, मैं मैनेज करूँगा तुम्हारे पैसों को। सोचो, सीए साहब ने क्लाइंट को बोला कि तुम्हारे पैसों का मैनेजमेंट मैं देखूँगा, अब तुम्हारे अकाउंट में जाएगा तो मुझे बार बार पूछना पड़ेगा। तो एक काम करो, मैंने अकाउंट तुम्हारे लिए स्पेशली खुलवा दिया है, उसमें तुम्हारा सारा पैसा आता जाएगा, उसको मैं यूज़ करूँगा तुम्हारे बिजनेस के लिए, तुम्हारे लिए। अच्छा, पार्ट ऑफ दीज मनी इन एक्सेस ऑफ द करेंट रिक्वायरमेंट। अब कुछ पैसा बच गया सीए साहब के पास और उन्होंने उस पैसे को मार्केट में जमा कर दिया और कुछ इंटरेस्ट कमा लिया। सीए साहब का तो ये इंटरेस्ट तो हमारा है, ये इंटरेस्ट तो हमारा है। कहा गया नहीं, इंटरेस्ट आपका नहीं है, पैसा भी क्लाइंट का था, एक्सेस अमाउंट भी क्लाइंट का था, आप केवल मैनेज कर रहे थे। अब उस पर जो कुछ भी अर्निंग होगी वो भी सारी क्लाइंट की होगी, आपके खाते में नहीं आएगी। अब क्लियर है? तो क्लाइंट के हेड में, क्लाइंट के हाथ में, इन द हैंड्स ऑफ द क्लाइंट इट विल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड नॉट इन द हैंड्स ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। इज इट क्लियर? अब कहानी क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। लिखना हो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3। कुमार टुक पार्ट इन अ मोटर कार रैली और उसको 10,000 का इनाम मिल गया। वो कहता है नहीं, ये तो माफ है। ऐसे कैसे माफ? माफ नहीं है, टैक्सेबल होता है। क्या होगा? चले आगे। उसका ये प्ली क्या है? गलत है। लिख लो, विल बी चार्ज टू टैक्स ₹10,000। क्वेश्चन नंबर 4। एच एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25,000 उसको गिफ्ट मिला है चार दोस्तों से बर्थडे पर, तो क्या टैक्स लगेगा? बिल्कुल, 1,00,000 पर लग जाएगा। और रिस्ट वॉच मिली है 40,000 की, तो टोटल कितने पर लग जाएगा? इतनी मार खाओगे। अभी मैंने कहा अलग अलग करना, फिर वही काम कर दिए तुम लोग, गलत, फिर गलत काम कर दिए तुम लोग। टोटल पे कैसे होता है? और यहाँ पर सीएमए इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट बिल्कुल सही है, पता नहीं कैसे सही है। अब ठीक है, चल सकते हैं आगे, चल सकते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। तो 1,00,000 पर टैक्स लगेगा, 40,000 नॉट इन एक्सेस ऑफ ₹50,000 है तो नॉट टैक्सेबल होगा। इज इट क्लियर? क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5। फियोना रिसीव्ड द फॉलोइंग गिफ्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 40,000 अपने एल्डर सिस्टर से लिया है, क्या माफ होगा? 60,000 डॉटर ऑफ हर एल्डर सिस्टर, ना 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 ना, टैक्स लग जाएगा। बहुत बढ़िया। और 1,25,000 अलग अलग दोस्तों से मिले हैं शादी पर, ना 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 ना, केवल टैक्स कितने पर लगेगा? 60,000 पे। चलो लिख लेना, टैक्सेबल ओनली ₹60,000। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ बोल, कितने? ना मेरे लाल, इसके दिमाग में वो कीड़ा अभी भी चल रहा है। मैंने बार बार बोला कि वो हिट डाल दो, मैंने बोला है। इसने फिर वही क्वेश्चन किया, अगर मुझे 1,00,000 रुपए अपने दोस्त से मिल रहे हैं तो क्या 50,000 माइनस नहीं होगा? 1,00,000 मुझे दोस्त से मिले, 10,000 मुझे दुश्मन से मिले, 15,000 रिश्तेदारों से मिले, रिश्तेदार वाला किनारे कर दो। 1,00,000 एक दोस्त से, 50,000 दूसरे दोस्त से, 10,000 तीसरे दोस्त से, तीनों को जोड़कर 50,000 तक है तो माफ़ करो, लेकिन ये तो 1,60,000 हो गया। पूरे पर टैक्स लगाओ, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। मैंने वो लिखा है पॉइंट नंबर 4, थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है ये, ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं कि 50,000 की छूट मिलेगी ही मिलेगी। 50,000 एक हो गया तो पूरे 50,000 एक पर टैक्स लगेगा। चले आगे। वो बाबू बार बार, हम बार बार कह रहे हैं, वो दिमाग से निकालो, 3-4 बार तो बोल दिया, अब ना पूछना ये बात। चलें, सुन, चलें। क्वेश्चन नंबर 6। वीजी हैड प्लेस्ड अ डिपॉजिट ऑफ ₹10,00,000 इन अ बैंक ऑन विच ही रिसीव्ड इंटरेस्ट 80,000। बैंक में 10,00,000 रुपए जमा किए और 80,000 इंटरेस्ट मिला। उसने एक लोन लिया 5,00,000 रुपए का उसी बैंक से, सिक्योरिटी डिपॉजिट करके, एंड वॉज लाइबल टू पे 50,000 बाई वे ऑफ इंटरेस्ट टू द बैंक, और 50,000 रुपये बैंक को इंटरेस्ट दे रहा है। तो वो कह रहा है 30,000 मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, 80,000 ना हमने कमाया है बैंक से और 50,000 दिया है बैंक को इंटरेस्ट, तो नेट 30,000 पर टैक्स लगेगा। क्या वो सही बोल रहा है? क्यों नहीं सही बोल रहा? 80,000 बैंक से लिया है, 50,000 बैंक को दिया है, तो क्यों नहीं सही बोल रहा?
वो 50,000 कहाँ का है मुझे मालूम नहीं। और ये दूसरा ट्रांजेक्शन है, 50,000 का ट्रांजेक्शन बिल्कुल अलग है और वो 10 लाख का ट्रांजेक्शन बिल्कुल अलग है, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप नहीं। तो 10 लाख पर जो मैंने 80,000 कमाया 100% बिल चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, 50,000 कहाँ से छूट मिलेगी, मिलेगी भी नहीं मिलेगी वो देखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो 80,000 पूरा टैक्स लगेगा, लिख लो ₹80,000 विल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो उसके बाद हम लोगों ने 6, 7, 8, 9 सब देख लिया। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 ढंग से सुनना क्वेश्चन। मिस्टर हरि ये प्रॉपर्टी डीलर है, क्या है ये? प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी नहीं होता, प्रॉपर्टी होता है। सोल्ड अ बिल्डिंग इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड राजेश, इसने प्रॉपर्टी सेल कर दी टू राजेश, कौन है राजेश इसका? कितने में बेचा है? 1/1/2016 में सेल वैल्यू है 90 लाख। अच्छा जी, जबकि उसी दिन स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी है 150। द एग्रीमेंट वॉज हाउएवर एंटर्ड इनटू ऑन 1 July 2015। 1 जुलाई 2015 डेट ऑफ अग्रीमेंट, और उस डेट ऑफ अग्रीमेंट में स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू कितनी है? 140 लाख। मिस्टर हरि हैड रिसीव्ड अ डाउन पेमेंट ऑफ 15 लाख बाय चेक फ्रॉम राजेश, ठीक है? हाँ या ना, 15 लाख तुरंत मिल गया, बाकी मिलता रहेगा। डिस्कस द टैक्स इंप्लीकेशन एज्यूमिंग दैट मिस्टर हरि हैज परचेज द बिल्डिंग। मिस्टर हरि ने ये बिल्डिंग परचेस की थी 75 लाख में और 12 जुलाई 2014 को। एक बात बताओ, क्वेश्चन में कहता है कि ये भी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी डीलर है मिस्टर हरि, और राजेश ऑटोमोबाइल पार्ट्स का डीलर है, क्या है ये? डीलर इन ऑटोमोबाइल पार्ट्स। बताओ टैक्सेबिलिटी कैसे अराइज होगी? अगर हम राजेश की बात करें, इसने तो प्रॉपर्टी डीलर का काम किया है, प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी बेची। प्रॉपर्टी खरीदी कितने में, बेची कितने में? 15 लाख का प्रॉफिट दिखा देगा किसके हाथ में? मिस्टर हरि प्रॉपर्टी डीलर, सुन लो, मिस्टर राजेश ऑटोमोबाइल डीलर, इसके यहां पीजीबीपी हो जाएगा कितने रुपए का? 15 लाख या 75 लाख? 15 लाख या 75 लाख? 15 लाख या 75 लाख? सेक्शन 143C है, एक सेक्शन 50C है, और अब आप लोग देख रहे हैं सेक्शन 56, ठीक है ना? तीन सेक्शंस हैं। अगर किसी ने स्टॉक इन ट्रेड को, मैं पढ़ देता हूँ, स्पेशल प्रोविजंस फॉर कॉम्प्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एसेट्स एज स्टॉक इन ट्रेड, फिलहाल इधर आओ। जब हम लोग सेक्शन को ढंग से पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा, जब हम स्टॉक इन ट्रेड को बेचते हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, जितने में खरीदा था, बेचा कितने में? 90 लाख में, जबकि मार्केट वैल्यू कितनी थी? 150 लाख। कितना?
150 लाख। तो हमारा पीजीबीपी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पक्की बात है ना, इंडेक्सेशन तो लगना नहीं है, पीजीबीपी आएगा। इसके केस में बताओ, डेट ऑफ अग्रीमेंट का स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी देखेंगे या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का, अग्रीमेंट का, हाँ या ना। तो बताओ कितने रुपए में इसने एसेट्स खरीदी है, कितने में, 90 लाख में, कितने में खरीदी, कितने में है, 90 लाख में, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी स्टैंप वैल्यूएशन, 150। लेकिन किस डेट का लेंगे, डेट ऑफ एग्रीमेंट, तो कितने का हो गया, गिफ्ट हो जाएगा 140 माइनस 90 85। नोट कर लो, ये अगर ऑटोमोबाइल डीलर का बिजनेसमैन होता तो। लेकिन आगे बोलता है, क्या आपका आंसर डिफर कर जाएगा, अगर हरी भी ब्रोकर होता, क्या होता, यानी मिस्टर हरी डीलर नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर, मिस्टर हरी डीलर इन शेयर्स है, डील्स इन शेयर्स, और ये मिस्टर राजेश है, तो राजेश के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहले रूल था उसके लिए रूल क्या रहेगा, और इसके लिए, हाँ बोलो, क्या स्टॉक इन शेयर्स बेचा था, नहीं, डीलर तो है ही नहीं, इसने कोई कैपिटल एसेट 75 लाख में खरीदी, कौन सी चीज़ खरीदी, कैपिटल एसेट, और बेची कितने में, 90 लाख। और तुम लोग को अच्छी तरह मालूम है कि कोई कैपिटल एसेट अगर लैंड हो, बिल्डिंग हो, या दोनों, उसके इसमें कितना लगेगा, स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी किस डेट की, 50 माइनस कितना आ जाएगा, 43 CA है, वही मैंने कहा गड़बड़ हो रहा है, एमलगमेशन वगैरह से रिलेटेड था, ठीक है, इसको नोट कर लेना, 43 CA है, न कि 43 C है, ढंग से सुनना, मैं पढ़ता हूँ इस चीज़ को, ढंग से सुनना, वेयर द कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ एन एसेट अदर देन कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, यानी अगर कोई बंदा अपनी किसी एसेट को बेचता है, कैपिटल एसेट को छोड़ करके, तो अगर कैपिटल एसेट को बेचता है जिसमें लैंड बिल्डिंग और बोथ हैं, तो उसके लिए कौन सा सेक्शन लगता है, 50 C, क्लियर, मैं फिर से बोलता हूँ, वेयर द कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ एन एसेट हैविंग या बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, यानी एसेट कौन सी है, लैंड है, बिल्डिंग है, या दोनों है, उसको सेल करता है, लेकिन ये उसकी कैपिटल एसेट नहीं है, इसका मतलब वो स्टॉक इन ट्रेड है, तो यहाँ पर देखो ना, हरी के लिए ये क्या था, स्टॉक इन ट्रेड था, हम इसकी बात कर रहे हैं पहले वाले पॉइंट की, हरी के लिए ये क्या था, स्टॉक इन ट्रेड था, क्लियर, बेच वही रहा है जो लैंड है, लैंड है, बिल्डिंग है, या दोनों है, अगर कैपिटल एसेट होता और उसको बेचता तो सेक्शन 50 C लगता, लेकिन अब चूंकि स्टॉक है और लैंड है, बिल्डिंग है, या दोनों है, और उसको बेच रहा है, तो सेक्शन 50 C नहीं लगेगा, उस केस में सेक्शन 43 C नहीं लगेगा, CA लगेगा, क्या लिखा है, इज लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, द वैल्यू सो एडॉप्टेड और एसेस्ड और एसेसिबल, यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्प्यूटिंग इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, फर्दर वेयर द डेट ऑफ एन एग्रीमेंट फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ द एसेट एंड द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर नॉट सेम, अगर दोनों डेट सेम नहीं है, तो जब कैपिटल गेन की बात करेंगे तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, गिफ्ट में बात करेंगे तो डेट ऑफ अग्रीमेंट, और जब पीजीबीपी की बात करेंगे तो डेट ऑफ अग्रीमेंट। तो बताओ यहां कितना आएगा, 75 लाख माइनस डेट ऑफ अग्रीमेंट 65 लाख, दिस इज योर आंसर। अब क्लियर है, सुनो अब ढंग से, मिस्टर हरी एक प्रॉपर्टी डीलर है,
उसने स्टॉक खरीदा, लैंड, बिल्डिंग या दोनों, और उसको ट्रांसफर किया स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू से कम पर, तो पीजीबीपी कितना अराइज होगा? स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू माइनस ट्रांजेक्शन ट्रांसफर वैल्यू, हाँ या ना, पीजीबीपी अराइज हो जाएगा। लेकिन स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी की सेल वैल्यू कौन सी डेट की? डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ एग्रीमेंट। अच्छा चलो, अगर यहां पर उसने सेल किया होता 90 लाख में नहीं 170 लाख में, तब तो स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी मेरे लिए बेकार होती, तब 170 पर कैलकुलेशन होता। किस पर कैलकुलेशन होता? अरे 90 की चीज आप 170 पर बेच रहे हो, सरकार कह रही है 150 पर बेचो, आप कह रहे हो नहीं हम 170 पर बेच दिए, तो टैक्स किस पर लगेगा? 170। लेकिन अगर आपने स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू से कम पर बेचा है, तब हमारा सेक्शन 43CA लगेगा, तब हमारा सेक्शन 50C लगेगा। इज इट क्लियर? पक्की बात है, हाँ या ना? दैट्स इट। तो ये याद रखना, ये तीन सेक्शन 43CA दिमाग से उतर गया था मेरा, CC देख रहे थे हम बार बार, उसमें ये प्रोविजन नहीं है, 43CA, 50C एंड सेक्शन 56, तीनों को इंटरलेट करके देखना है। इज इट क्लियर? ये डोनी के लिए होगा जिसको गिफ्ट मिल रहा है, जिसको गिफ्ट, और ये सेलर के लिए है अगर हम अपने स्टॉक को बेच रहे हैं, लैंड, बिल्डिंग या दोनों को, स्टॉक को तो ये लगेगा, अगर लैंड, बिल्डिंग और दोनों को बेच रहे हैं और कैपिटल एसेट बेच रहे हैं तो ये लगेगा। इज इट क्लियर? ध्यान देना, केवल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक ही जगह है सेक्शन 50C में, हटा दें। अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पर, इस चैप्टर के सबसे लास्ट पॉइंट पर, और लास्ट क्वेश्चन दिया भी उसी चीज पर है। मैं आपको थ्योरी पढ़ा देता हूं, आंसर उसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, दोनों चीजें दी हैं, तो आंसर तो तुम लोग देख लोगे। अभी गिफ्ट खत्म नहीं हुआ क्या? अभी गिफ्ट खत्म नहीं हुआ, अगर तुम लोग को लग रहा था कि खत्म, एक नया प्रोविजन सुन लो, लास्ट है। अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, यानी नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड बाय द पब्लिक है, यानी पब्लिक का होल्ड नहीं है, पब्लिक लिमिटेड नहीं है, एक तरह से समझ लो प्राइवेट लिमिटेड है, क्या है वो? प्राइवेट लिमिटेड, उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। किसके ऊपर? पेज नंबर है 133। वन थर्टी टू में नीचे वेयर अ फर्म और अ क्लोजली हेल्ड कंपनी रिसीव्स शेयर ऑफ अनदर क्लोजली हेल्ड कंपनी फ्रॉम एनी पर्सन ईदर विदाउट कंसिडरेशन और फॉर एनएडक्वेट कंसिडरेशन शैल अट्रैक्ट टैक्स। अगर कोई एक क्लोजली हेल्ड कंपनी या कोई फर्म, केवल दो लोग, इंडिविजुअल HUF की बात नहीं की गई है, कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी या कोई फर्म शेयर्स रिसीव करते हैं, यानी एक है डोनर और एक है डोनी, डोनी में आ जाएगा फर्म या क्लोजली हेल्ड कंपनी, और किससे लेते हैं? क्लोजली हेल्ड कंपनी का। बोलो ना, यहां से यहां क्या जाता है? शेयर्स ऑफ डोनर, चाहे फ्री में जाए चाहे इनएडेक्वेट कंसीडरेशन में जाए, तो इसके यहां टैक्स लग जाएगा। कब लगेगा जरा ढंग से सुनना, थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा। अगर शेयर को ट्रांसफर किया गया है, कितना? अगर शेयर को ट्रांसफर किया गया है फेस वैल्यू से अधिक पर, यानी इश्यू प्राइस इज मोर देन द फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस इज मोर देन द फेस वैल्यू, चलो अंडरलाइन कर लो। वेयर, पेज नंबर 133 में नीचे, वेयर अ क्लोजली हेल्ड कंपनी रिसीव्स इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट इन कंसिडरेशन फॉर इश्यू ऑफ शेयर दैट एक्सीड द फेस वैल्यू ऑफ सच शेयर्स, द एग्रीगेट कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर सच शेयर्स एज एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। नहीं समझ में आया होगा,
बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा मैं क्या बोल गया, नहीं समझ में आया, मैं 2 मिनट देता हूँ, इन 4 लाइनों को आराम से पढ़ो और हमें बताओ कि इसने क्या बोलने की कोशिश की। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर डोनर है डोनी है, डोनर ने अप डोनर क्लोजली हेल्ड कंपनी है, उसने अपने शेयर ट्रांसफ़र किए डोनी को, डोनी कौन है, फर्म है या क्लोजली हेल्ड कंपनी है, इसको शेयर्स ट्रांसफ़र किए हैं फेस वैल्यू से अधिक वैल्यू पर, बस हमें इतना बता दो गिफ्ट की वैल्यू क्या मानोगे, बस इतना बता दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखो सुन ले इधर, अगर विल अप्लाई, इट विल अप्लाई कब अप्लाई होगा, जब इश्यू प्राइस is in excess of face value, यानी सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या फेस वैल्यू से अधिक की वैल्यू पर इश्यू किया गया है, बात समझना, तो लगा दो ये सेक्शन, सोचना मत। अब दूसरा पॉइंट ये चेक करोगे कि इश्यू किया गया है फेयर मार्केट वैल्यू से अधिक एंड इश्यू प्राइस इज इन एक्सेस ऑफ, बस देन वैल्यू ऑफ गिफ्ट इज, दोनों का डिफरेंस इश्यू प्राइस माइनस फेयर मार्केट, दैट्स इट, सिंपल है। अब जरा देखें, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में, ए लिमिटेड 10,000 शेयर इशू करती है, कितने, और उनकी फेस वैल्यू 100 रुपये है और इश्यू प्राइस 130, क्या ये सेक्शन लग जाएगा, हाँ सर, फेस वैल्यू से ऊपर की इशू प्राइस है ये सेक्शन लग जाएगा, लग जाएगा नहीं लग जाएगा, बात नहीं, लग जाएगा नहीं लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, इश्यू प्राइस ज़्यादा है फेस वैल्यू, अच्छा इश्यू प्राइस ज़्यादा है, अरे मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू कितने की थी और बेच कितने में रहे हो, तो 10 रुपये पर शेयर आपकी गिफ्ट की वैल्यू हो जाएगी, 10,000 शेयरों पर 1,00,000 रुपये, हाँ या ना, पक्की बात है, पक्की बात है, पक्की बात है, हो गया। पॉइंट नंबर 2, 20,000 शेयर थे बी लिमिटेड, 100 रुपये का फेस वैल्यू है और इश्यू प्राइस 110 है, एप्लीकेबल होगा लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू तो अधिक है, अब एप्लीकेबल नहीं होगा, एप्लीकेबल होते हुए भी गिफ्ट की वैल्यू 0 है, हाँ या ना, पक्की बात है। तीसरा, 2 रुपये तो वैसे ही कम है इश्यू प्राइस फेस वैल्यू से, लास्ट एप्लीकेबल होगा लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू 90 रुपये है और 110 पर इशू कर रहे हो, 20 रुपये तो आ गया आपके पास गिफ्ट, कितने शेयरों पर, 40,000 पर, 8,00,000 रुपये, आंसर आ गया, नहीं समझ में आई बात, ये नोट कर लेना इस क्वेश्चन के नीचे, इसमें कहीं कोई डाउट हो तो पूछो, टाटा बोले, थैंक यू बच्चों।